ठीक है, ग्रीडी एल्गोरिथम्स में क्या होता है कि बेसिकली हम एक ग्रीडी प्रॉपर्टी लेते हैं जो कि बेसिकली एक डिसीजन होता है और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं लोकली और ये कंसीडर करते हैं कि वो ग्लोबली वो ऑप्टिमल होगा। तो अभी इसी कंसेप्ट को लेके हम आगे चलते हैं और हम ग्रीडी एल्गोरिथम्स को ग्राफ के ऊपर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ जो है बेटा वो आपने डिस्क्रीट मैथ में पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसका पूरा चैप्टर था हमने, वो मकसद यही ही था। देखिए आप चीज़ें आपस में कनेक्ट हो रही हैं, तो अभी ग्राफ के ऊपर आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़े होंगे, अभी यहाँ पे हम स्टडी करने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने डिस्क्रीट मैथ में भी बेसिक ग्राफ के ऊपर डिस्कस की थी, जैसे डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, वर्सेस क्या होती हैं, एजेस क्या होते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सेम टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमने वहाँ पे देखे थे कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या है, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है जिसको हम एरो के निशान से शो करते हैं। ठीक है, वर्सेस हमारे पास होते हैं, ग्राफ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वर्सेस वी एंड सेट ऑफ एजेस ई। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ है और किसी भी जो हमारे पास एजेस हैं ई, दैट इज अ सबसेट ऑफ वी इनटू वी ऑफ एजेस। तो वी इंटू वी का मतलब ये है कि हम जितने भी नोड्स हैं या जितने भी वर्सेस हैं उनके पेयर बना लेते हैं। ठीक है, और वो पेयर बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एजेस को, कि ये इस नोड से इस नोड के दरमियान एक एज मौजूद है। जैसे कि फर्ज करें हम अगर लिखें ये स्मॉल वी वन कॉमा वी टू, ठीक है, तो इसका मतलब है देयर इज एज बिटवीन वी वन एंड वी टू। ठीक है, तो ये एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ये एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू वर्सेस एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो ये क्या होती है बेटा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ जी, ग्राफ को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी वर्सेस के लिए है, ई एजेस के लिए, वेयर वी इज इक्वल टू वन टू अप टू एन, हमारे पास वर्सेस हैं वन टू एन और मैट्रिक्स है हमारे पास वन टू एन एंड वन टू एन। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आपने पढ़ी हुई है मैथ में काफ़ी ज़्यादा, तो ये आपको आइडिया होगा कि मैट्रिक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ए एफ आई जे यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी जो सेल्स हैं ए एफ आई जे यानी कि आई जे मूव कर रहा है, अगर तो दो एजेस दो अगर दो वर्सेस एक दूसरे के साथ एडजेसेंट हैं, नेबर हैं, तो हम उसको वन से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो एजेस नहीं है तो उसको जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने है, ये ग्राफ है 2 1 3 4, ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो हमने इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम जितने भी इसके वर्सेस हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख दिया है। ठीक है, अब 1 2 1 1 2 1 कोई एज मौजूद नहीं है तो इसकी हम इसको जीरो साइन कर दिया है, फिर 1 2 2 एक वन से टू एक एज जा रहा है तो हमने उसको वन से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर उसके बाद 1 1 से 3 एक एज जा रहा है उसको रिप्रेजेंट कर दिया, फिर 1 से 4 कोई एज नहीं जा रहा है इसको हमने जीरो से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे 2 की बात कर लें तो 2 का 1 पे कोई नहीं जा रहा क्योंकि ये डायरेक्टेड है, तो एच जो देखें एरो जो है ना वो 2 की तरफ आ रहा है लेकिन 2 से 1 की तरफ कोई नहीं जा रहा। ठीक है, ऐसे ही 2 से 2 की तरफ भी कोई नहीं जा रहा, 0 आ जाएगा, 2 से 3 की तरफ 1 जा रहा है और 2 से 4 की तरफ भी कोई नहीं जा रहा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम ग्राफ को अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज एडजेसेंसी लिस्ट। तो एडजेसेंसी लिस्ट में क्या करते हैं, यही ग्राफ है जो पीछे हमने देखा है, तो एडजेसेंट ऑफ वन, ये जो वन नोड है ना एक नंबर का जो वर्टेक्स है, इसके एडजेसेंट कौन से हैं, इसके एडजेसेंट 2 और 3 हैं, ये एरोज के निशान इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने 2 3 लिख दिया, तो ऐसे ही 2 के एडजेसेंट कौन से हैं, 3 है, 3 का एडजेसेंट कोई नहीं है क्योंकि इससे आउट डिग्री कोई नहीं है, बाहर कोई नहीं जा रहा, 4 जो है उससे 1 जा रहा है जो कि 3 है। ये दो तरीकों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास ग्राफ हो, तो हम दो तरीकों से। अब इसमें इस बेनिफिट्स क्या हैं, तो अगर हमारे पास डेंस ग्राफ हो यानी कि ये बहुत ये एजेस हैं एक दूसरे के साथ बहुत मिले हुए हों, ठीक है, कंजेस्टेड हो, तो फिर हमारे पास ये मैट्रिक्स की फॉर्म बड़ी अच्छी रहती है। अब यानी कि अब अगर करीब करीब है, अगर स्पार्स हैं यानी कि बहुत दूर हैं, यानी कि ये मैट्रिक्स बहुत बड़ी है और इसमें वन बहुत कम
कम कमा रहे हैं, तो वहां पे इट इज द वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो इसलिए जब डेंस होगा ना, डेंस रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी कि ये आपस में काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड होंगे, तो फिर हम यूजली मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं। और अगर स्पार्स हो, ठीक है, यानी कि बहुत दूर दूर हो, तो फिर हमारे लिए प्रेफरेंस होती है एडजेसेंसी लिस्ट की। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक हमारे पास चीजें थी ग्राफ की। और अब इसमें ग्राफ में एक चीज हमने बात कर ली है, मिनिमम स्पेनिंग ट्री। ये हमने डिस्क्रीट मैथ में भी देखा था, और यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पेनिंग ट्री टी अ ट्री डेट कनेक्ट्स ऑल वर्सेस ऑफ मिनिमम वेट। कि ऐसा ट्री, एक ग्राफ में ऐसा ट्री होगा जो तमाम वर्सेस को, तमाम नोड्स को कनेक्ट करेगा ऑफ मिनिमम वेट, कि गिवन डैट के उनका जो एजेस का वेट है वो मिनिमम हो। सब पूरे ग्राफ में तमाम नोड्स को एक दफा कनेक्ट करेगा, और ऐसे कनेक्ट करेगा कि उसका वेट जो है, उन एजेस का वेट है, यानी कि उसका टोटल, उस ग्राफ का टोटल हम वेट जब निकालेंगे तो वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है जी, जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं एक ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में आप देखें कि हमारे पास, हमने इसमें से स्पेनिंग ट्री बनाना है, यानी कि हमने तमाम एजेस को, तमाम जो एजेस को नोड के साथ एक एक दफा कनेक्ट करना है, और इस तरह कनेक्ट करना है कि ये इनके वेट्स ऊपर लिखे हुए ना, 6, 12, 5, 9, 15, 7, 8, 14, 3, 10। तो ये वेट्स है ना, ये जब इनको, जब कनेक्शन हम बना लेंगे, तो उनका जब हम सम निकालेंगे तो वो मिनिमम होगा। ठीक है जी, तो ये देखिए, ये इसकी एग्जांपल। अब इसकी आउटपुट क्या होगी कि हमने इस नोड को इसके साथ कनेक्ट किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इन दोनों को इसके साथ कनेक्ट किया, फिर इसको इसके साथ कनेक्ट किया, और इसको इसके साथ। अब MST यानी कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री की स्पेनिंग, स्पेन करना, स्पेनिंग का मतलब है स्पेन, पूरे पूरे के ऊपर स्पेन, यानी कि सब नोड्स को एक एक दफा कनेक्ट करना। तो आप देखिए कि सब नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं विद विद पिंक लाइन। ठीक है, कोई मिसिंग नहीं है, स्पेन कर रहा है पूरे के ऊपर। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी है मिनिमम। अब मिनिमम कैसे, अब देखिए यहाँ पे ये 14 वाला एक एज है, एक 10 वाला एज है, एक 12 वाला एज है, इनको हमने नहीं लिया, इनको काउंट नहीं किया, ये हमारे स्पेनिंग ट्री के अंदर नहीं है। इसलिए नहीं किया कि अगर हम इनको इस्तेमाल करते तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट थी इस ग्राफ की, यानी कि 6 प्लस 14 प्लस 5, ये अब जो पिंक वाली सारी लाइंस के ऊपर कॉस्ट आपको या वेट नजर आ रही है, इनको सबको ऐड करें तो वो मिनिमम है। तो अगर इसके बजाय फर्ज करें, मैं कहता हूँ ये ना 6 6, ये जो ये 6 वाला एज है ना, इसके बजाय मैं ये 12 वाले को सेलेक्ट कर लूँ, इसको पिंक कर दूँ, तो क्या होगा, मेरा वेट जो है वो क्या होगा, टोटल जो है वो 6 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मुझे तो मिनिमम चाहिए। मैंने क्या कोशिश करनी है कि वो ग्राफ, वो स्पेनिंग ट्री बनाऊं जिसका जो एजिस का वेट है वो क्या होगा, वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो आप सर ये देखिए, जो वेट है 6, 12, 14, ये हमने खुद से लिखे हैं या फिर हमें गिवन हाँ होंगे? ये गिवन होगा बेटा जी। ठीक है, मतलब हमने कोई ऐसे नंबर सेलेक्ट करना है कि मिनिमम वेट आए हाँ, गिवन नंबर हमारे में पास ये से। ग्राफ था, हमने इस ग्राफ में से मिनिमम स्पेनिंग ट्री फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। अगर हम बैठेंगे विजुअली में भी छोटा ग्राफ हो तो हमें आंखों से देख के कहेंगे ये छोटा है, ये छोटा है, लेकिन इसकी एल्गोरिदम्स हैं जो ये फाइंड आउट करती हैं कि एक ट्री में मिनिमम, एक ग्राफ में मिनिमम स्पेनिंग ट्री कौन सा है और उसका वेट क्या है। ठीक है, तो इसके लिए एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं जो ये काम करती हैं। तो इस आज जो हम एक एल्गोरिथम देखेंगे, इट इज नोन एज प्रिम्स एल्गोरिथम, और प्रिम्स एल्गोरिथम यही काम करती है, वो ग्राफ में से मिनिमम स्पेनिंग ट्री फाइंड करती है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि वो कैसे फाइंड करती है। तो सबसे पहले हम इसकी एल्गो को देख लेते हैं, मिनिमम स्पेनिंग ट्री को। हाँ जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक क्यू है जिसको हम क्यू का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये क्यू है, ये क्यू आपने डेटा स्ट्रक्चर में जो पड़ी हुई है क्यू। ठीक है, यहाँ पे भी है। उस जितने वर्सेस हैं, जितने नोड्स हैं, वो उस क्यू के अंदर डाल देंगे, तो ये जितने नोड्स हमारे हैं ना, वो इस क्यू के अंदर आ जाएंगे। पहली स्टेटमेंट ये काम कर रही है। ठीक है, जितने नोड्स हम इसके अंदर आ जाएंगे।
उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद है की ऑफ वी को हम इन्फिनिटी साइन कर देंगे। ये बेसिकली एक लूप चलेगा जो पूरे ग्राफ में क्या करेगा, सबको की एक वैल्यू है, सबको इन्फिनिटी साइन करा देगा। ठीक है, वो आगे आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर की ऑफ एस 0, ये हमारा एस जो है ना, एस नोड, ये एस नोड हमारा स्टार्टिंग नोड है। ठीक है, इसकी की को हम 0 साइन करवा देंगे। ठीक है, तो इतना काम मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये देखें, ये रेड के अंदर सारे नोड्स हैं, सारे वर्सेस हैं, सबको इन्फिनिटी साइन कर दिया। ठीक है, और ये जो स्टार्टिंग नोड है ना, इसको हमने क्या साइन कर दिया, 0 साइन कर दिया। ठीक है, अब हम लूप चलाएंगे वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, यानी कि जितने नोड्स हमने यहाँ पे सारे के सारे इसके अंदर एंटर किए थे, वो जब तक खाली नहीं हो जाता। ये जो क्यू है, ये यानी कि हमारे पास क्यू है, सेट है बेसिकली, जब तक ये खाली नहीं हो जाता, जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता, तो हमने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू। हमारे पास जो क्यू है ना, उसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू है उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। तो गिवन डैट, अब इसको देखें जस्ट, इसमें सब नोड्स की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, और इसकी 0 है। तो हम क्या करेंगे, जो पहली ट्राई होगी उसमें जो सबसे आगे आएगा उसको हमने 0 साइन कर देना है, और बाकी सबको इन्फिनिटी। ये जो हमारे पास क्यू है, ये मिन मिन क्यू है। मिन क्यू का मतलब है प्रायोरिटी क्यूज में मिन क्यू और मैक्स क्यू, दो तरह की क्यू होती हैं। मैक्स क्यू को हम देख चुके हैं हीप सॉर्ट के अंदर, और मिन क्यू हमने नहीं देखी थी। तो मिन क्यू में क्या होता है कि जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे होता है। तो यहाँ पे देखें कि ये जो हीप डेटा स्ट्रक्चर है, उसकी मदद से ये क्यू मेंटेन की जाती है। ठीक है, तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे होगा। तो ये अगले इस ग्राफ में देखें, यहाँ पे 0 सबसे छोटा है, वो क्यू में सबसे आगे आ गया है, और बाकी सारे इन्फिनिटीज हैं तो वो पीछे हैं। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू, यानी इस क्यू में से मिनिमम निकालो, यानी कि ये 0 अब निकलेगा, और उसको हम यू को असाइन कर देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, एडजेसेंट ऑफ यू फॉर ईच वी बिलोंग टू एडजेसेंट ऑफ यू, यानी कि यू के जितने भी एडजेसेंट हैं गिवन। अब इस देखें, ये जो अगर ये हमारे पास यू है, इसको हम यू कह रहे हैं, तो इसके एडजेसेंट कौन से हैं, इसका एडजेसेंट एक ये नोड है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, इसके 3 एडजेसेंट हैं। ठीक है, ये लूप चलेगा फॉर ईच वी, यानी कि जो तीनों एडजेसेंट नोड्स हैं ना, तीनों के लिए क्या कर रहे हैं, इफ वी बिलोंग टू क्यू, अगर वो नोड जो है वो क्यू के अंदर मौजूद है, इस क्यू के अंदर मौजूद है, और वेट ऑफ यू वी, यानी कि जो वेट है ये 15, जैसे ये 15 है, ये 7 है, ये 10 है, ये वेट अगर क्या है, ये वेट अगर लेस देन की ऑफ वी है, यानी कि वेट ऑफ की ऑफ वी का क्या मतलब है, ये इन्फिनिटी की, ये जो सेल के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है ना, ये कीज हैं। ठीक है, ये क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ फिर, ये जो सेल्स के अंदर, ये रेड सर्कल के अंदर ये जो वैल्यूज पड़ी हैं, ये कीज हैं, और ये जो ग्रीन में है जो लाइंस के ऊपर हैं, ये एजेस के वेट हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, ये स्टेटमेंट कह रही है कि अगर वेट ऑफ यू वी लेस देन की ऑफ वी, यानी कि अगर ये वेट ऑफ, अगर हम इसकी बात करें, इस एज की बात करें, द वेट ऑफ यू वी, यानी कि ये 15 अगर लेस देन की ऑफ दिस नोड जो कि इन्फिनिटी है, अगर तो ये ट्रू हो जाए, तो फिर हमने क्या करना है, जो कि ट्रू है यहाँ पे, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने करना है कि की ऑफ वी को असाइन कर देना है वेट, यानी कि हम क्या करेंगे, ये 15 को उठाएंगे और इस नोड को इन्फिनिटी की जगह पे इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, और क्या करना है, ये पाई ऑफ वी को असाइन कर देना है हमने यू। पाई ऑफ वी का मतलब है पेरेंट ऑफ वी, तो जो वी का पेरेंट होगा वो यू हो जाएगा। ठीक है जी, तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमने ये जो असाइनमेंट है इसमें देखें कि ये, चूंकि ये नोड जो है इसकी वैल्यू 15 हमने अपडेट कर दी है, और अपडेट कहाँ से हुई है, ये 7 वाले 0 वाले नोड से, तो फिर हम इसका पेरेंट जो है ना, ये नोड बन जाएगा।
हम बताएंगे कि यहाँ से इसकी वैल्यू अपडेट हुई है और ये उसका पेरेंट है, ठीक है। सर देखते हैं, हमें यू का तो पता चल गया था कि हमने पहले जीरो वाला ले लिया, यू हाँ, हम उस पर डील कर रहे थे, तो ये वी की और वी का कैसे हम पता करेंगे? की या वी साइन तो की हुई है ये हर। देखें सबसे पहले हमने क्या किया, ये कीज साइन की है, इन्फिनिटीज हैं, ये सारी कीज हैं, ये इन्फिनिटी सारी। सबसे पहले जब लूप चलाया तो हमने क्या किया कि सब सब नोड इस ग्राफ के अंदर जितनी भी नोड्स हैं सबको हमने इन्फिनिटीज असाइन कर दिया, ठीक ऐसे ही है। था। और जो स्टार्टिंग नोड था और वो कोई भी आर्बिटरी नोड हो सकता है, उसको हमने जीरो असाइन कर दिया, ठीक है। ठीक है, पहली पहली बार में हमने क्या किया, सब नोड्स को इन्फिनिटी असाइन कर दिया। मैं ये कह रही हूँ कि हम ये वाली 12 वाली जहाँ यहाँ भी तो की भी ले सकते थे, हमने स्पेसिफिक ये इसके ये 15 वाली क्यों ली है? ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया ना, अभी हम इसको रन करते हैं तो अभी पता चलेगा कि क्या करना है, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया, ये सबको लेंगे, 15 वाली को भी लेंगे, 7 वाली को भी लेंगे, 10 वाली को भी लेंगे। अब ये जो समझने वाली बात है ना, ये आपने समझनी है कि ये जो लूप है, फॉर लूप, फॉर ईच वी बिलोंग टू एडजेसेंट ऑफ यू, इसका मतलब है कि यू जो हमने लिया था नोड, उसके तमाम एडजेसेंट को हमने बारी बारी चेक करना है, फॉर ईच ऑफ वी, फॉर ईच ऑफ वी, ठीक है। यानी कि जो हमारा नोड हमने सेलेक्ट किया था उसके जितने भी एडजेसेंट्स हैं हमने उनको बारी बारी सबको चेक करना है, ठीक है। तो जैसे ये ग्राफ में जो जीरो है इसके एडजेसेंट कौन से हैं, एक एडजेसेंट ये है, एक एडजेसेंट ये है, एक एडजेसेंट ये है, तो हमने इन तीनों को चेक करना है, तीनों को चेक करना है, ठीक है। तो अभी एल्गोरिदम आपने देख ली है, तो अभी हम इसको ड्राई रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब ये आपके पास ग्राफ है, आपको नजर आ रहा है, हमने सब नोड्स को इन्फिनिटी साइन कर दिया है और यहाँ पे इसको एक नोड है उसको जीरो साइन कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये हमारा स्टार्टिंग नोड है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, एक ही मेन काम करना है, उसको जरा समझ लें कि हमने जो सिलेक्टेड नोड है ना, जो भी नोड सिलेक्टेड है उसके सारे एडजेसेंट्स को देखना है, उसके सारे एडजेसेंट्स को चेक करना है। अगर उनकी जो वेट है, उनका वेट है, यानी ये इसका इस एज का वेट 15 है, इसका 7 है, इसका 10 है, ठीक है। अब उसके जो एजेस के वेट है ना, उसको कंपेयर करना है कीज के साथ, यहाँ पे इन्फिनिटी की है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, अगर यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, तो अगर एजेस के वेट उनकी कीज के वेट से कम है तो हमने क्या करना है, उन कीज की जगह पे हमने वो वेट रख देना, ठीक है। मतलब कि तीनों जगह वेट आ जाएंगे अब। हाँ जी, अब ये देखिए आपके सामने, ठीक है, ये हमारा सिलेक्टेड नोड है, ठीक है। अब हमने इसके एडजेसेंट्स को देखना है, इसके तीन एडजेसेंट थे मैंने आपको बताया, एक ये है, इसके साथ इसकी एज लग रहा था, एक ये था, एक ये था। अब हमने क्या किया, तीनों पे पड़ा हुआ था इन्फिनिटी, ठीक है। हमने कंपेयर किया 15 को इन्फिनिटी के साथ, 15 छोटा है तो हमने 15 इधर लिख दिया, 7 को इन्फिनिटी के साथ कंपेयर किया, 7 छोटा था तो 7 को इधर इन्फिनिटी की जगह पे लिख दिया, यहाँ पे इस 10 को कंपेयर किया, 10 इसके साथ इन्फिनिटी के साथ, तो 10 छोटा था तो इन्फिनिटी की जगह पे आ गया, ठीक है। और ये एरो के निशान जो पिंक लाइन है, अब ये जीरो की तरफ आ गई, इसका मतलब है अब इन तीनों नोड्स का पेरेंट ये नोड है, ठीक है जी। एक स्टेप हो गया, यहां तक समझ आ गई है, यहां पे अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब आगे देखें कि अब जो हमारी प्रायोरिटी क्यू है, जो मिन क्यू है, उसकी क्या सूरत हाल हो गई है, वो क्या क्या हो गया है। अब देखें कि नई सिचुएशन के मुताबिक ये जो नोड है ना, ये नोड, इसको तो हमने पहले बाहर निकाल लिया था, जी जीरो वाले को इसको हमने बाहर निकाल लिया था पहले, ठीक है। अब बाकी क्या बचा है, अब जब हमने न्यू वैल्यूज को, न्यू कीज की वैल्यूज को अपडेट कर दिया, तो सबसे छोटा है 7 जो सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। 7 सबसे छोटा है, 7 सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा 10 है, 10 सबसे आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 15 वाला आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 चार चार इन्फिनिटीज अभी बाकी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो क्योंकि इन्फिनिटीज हैं तो वो बड़ी हैं, वैल्यूज हैं, तो वो पीछे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्यू की ये सूरत हाल है, तो अगेन हमने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट मिनिमम,
जो सबसे छोटा है वो निकालना है। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? सेवन वाला, ठीक सर है। कि ये जो क्यू में सबसे छोटा खुद बहुत पहले आ जाएगा कि हमने के हाँ जी पीछे। हाँ जी, खुद खुद पीछे आ जाएगा, क्योंकि वहां पे हम प्रायोरिटी क्यू लगा रहे हैं, वो मिन क्यू है। मिन क्यू का मतलब है कि इसमें जो भी नंबर एंटर करेंगे इसके अंदर, वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट होके आ जाएगा, और जो सॉर्टिंग इस तरह होगी कि मिनिमम आगे होगा और मैक्सिमम पीछे होगा। तो जब इसके अंदर कोई भी नंबर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका लूप का हीप सॉर्ट का प्रोसीजर चलेगा, और वो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे आ जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। सर सर हमने ये स्टार्टिंग नोड की वैल्यू को सेपरेट ब्लॉक में क्यों रखा है? सेपरेट ब्लॉक मतलब ये इसको निकाल दिया ना, हमने इसको निकाल दिया इसके अंदर से, मैं बता रहा हूँ कि इसको हमने निकाल दिया, अब ये दोबारा कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये देखें, ये जो हमारे पास लाइट लाइट ब्लू सब है, ये सेट ए है, और ये जो रेड है ये क्या है? वी माइनस ए, यानी कि अब हम दो, हमारे पास दो सेट बनने जा रहे हैं, दो सेट बनने जा रहे हैं। एक को ए का नाम दे देते हैं, और एक को हम जो रेड वाला है वो क्या है? वी माइनस ए। वी का मतलब है सारे के सारे वर्सेस, सारे के सारे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो मिनिमम है बारी बारी करके एक एक निकाल के इसके अंदर डालते जाएंगे, ठीक है। बारी बारी एक एक करके निकाल के इसके अंदर डालते जाएंगे। दो सेट्स हैं, ए वाला सेट आपको, आप ये ब्लू होता जाएगा, और जो वी माइनस ए वाला सेट है वो रेड होगा, ठीक है। तो हम जब ए सेट में आ रहा है यानी कि ब्लू होता जा रहा है, तो इसका मतलब है इसको, इस नोड को हमने प्रोसेस कर लिया है, इस नोड को हमने प्रोसेस कर लिया है, इसके ऊपर एल्गोरिदम का स्टेप हो चुका है, अब इसको दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, मतलब कि हम जिसे प्रोसेस कर लेंगे उसे सेपरेट जो सेट होगा उसके अंदर से पुट करते जाएंगे, यही हाँ, है ना? उसके अंदर पुट करते जाएंगे, यहाँ पे उसका कलर चेंज करते जाएंगे, जैसे ये ब्लू हो गया। जी ठीक हो गया सर। अब ये एक स्टेप जो किया ना, ये ही स्टेप अब बार बार करना है। आपको पता है ग्रीडी मेथड में मैंने आपको समझाया था कि ग्रीडी मेथड में हम एक डिसीजन लेते हैं, वही बार बार करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक किसी मोहल्ले में आप चले जाएं, और आपने बाहर निकलना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि बाहर कौन सी सड़क जाती है, तो आप एक फैसला लेते हैं कि मैं जो लेफ्ट साइड पे पहला टर्न आऊंगा वो मैं मुड़ जाया करूंगा, वो टर्न आपको कहीं भी ले जाए, आप चलेंगे, जैसे ही लेफ्ट साइड पे पहला टर्न आएगा आप उस तरफ मुड़ जाएंगे, आपने एक डिसीजन ले लिया, वही उसको बार बार कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने ये डिसीजन ले लिया है कि हमने मिनिमम को पहले निकालना है, हमने एक नोड लिया, हमने उसका जो मिनिमम वाला है उसकी तरफ जाना है, ठीक है। तो मिनिमम हमने सेवन अभी देख लिया, तो अब हमारा जो अगला नोड, सिलेक्टेड नोड है वो सेवन वाला हो गया, ठीक है। अब हमने सेवन वाले पे वही काम करना है जो हमने जीरो वाले पे किया था, ठीक है। अब हमारे पास ये सेवन वाला नोड सिलेक्टेड है, ठीक है। अब इसके एडजेसेंट, इसके कौन है, इसके हमसाये कौन है? एक तो इसका हमसाया ये वाला है, एक ये है, ठीक है जी, और एक इसका हमसाया हमारे पास ये है, तीन हमसाये हैं, ठीक है। अब लेकिन आपने एक बात याद रखी, इस एल्गो के अंदर देखें कि इफ वी बिलोंग टू क्यू, अगर जो नोड, जो अभी सिलेक्टेड नोड है, अगर वो क्यू के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि इसका जो एक हमसाया है सेवन का, जो जिसको हमने पहले से प्रोसेस कर लिया है, अब ये क्यू का हिस्सा नहीं है, मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, ठीक है। तो इसका मतलब है ये उस इफ की जो कंडीशन है उसके ऊपर पूरा आउट नहीं उतरेगा, यानी कि अब जब हम बात करेंगे तो फिर आप ये जो जीरो वाला है इसकी बात नहीं करेंगे, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा। तो बाकी फिर कितने बचे? बाकी ये एक नोड बचा है, एक नोड ये बचा है, और एक नोड ये बचा है, सात गेम साइज चार थे, एक को हमने पहले ही प्रोसेस कर दिया, बाकी तीन रह गए, उनको हमने प्रोसेस कर दें, और सेम स्टेप्स हैं। सेम स्टेप्स क्या हैं? इस नाइन को इस इन्फिनिटी के साथ कंपेयर करेंगे, अगर नाइन छोटा है तो वो इन्फिनिटी की जगह पे आ जाएगा, 12 को इन्फिनिटी के साथ कंपेयर करेंगे, 12 छोटा है तो इन्फिनिटी की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये हमारे पास सात को इन्फिनिटी के साथ कंपेयर करेंगे, सॉरी 5 को इन्फिनिटी के साथ कंपेयर करेंगे, 5 छोटा है तो वो इन्फिनिटी की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये देखिए आपके सामने, ऐसा सेवन में हमने ये देख लिया है,
ये 9 अपडेट हो गया, इन्फिनिटी की जगह पे 12 अपडेट हो गया है इस जगह पे, और 5 अपडेट हो गया इस जगह पे, और जो ये हमारे पास पिंक कलर के जो एरो के निशान है अब 7 की तरफ हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि इन तीनों नोड का जो पेरेंट नोड है वो अब कौन बन गया है, 7। ठीक है, अब अगेन हमारे ये तो पास, हमने 7 को तो सर्च ही नहीं करना था, हाँ जी अभी तो हम कह रहे थे कि 7 को हम प्रोसेस नहीं करेंगे नहीं, कंडीशन जीरो पास को हो जाए तो। प्रोसेस नहीं करना था, ये जीरो वाले को नहीं प्रोसेस करना था, ये पहले किया था, अब दूसरे नंबर पे हमने 7 वाले को किया। ठीक है, ये जो दोनों नोड है ना, अब ये निकल गए हैं, जीरो वाला भी नोड अब निकल गया है इसमें से, और 7 वाला नोड भी निकल गया है। तो बाकी क्या बचा है, बाकी प्रायोरिटी क्यू में हमने सबसे छोटे को सबसे आगे करना है, तो सबसे छोटा इस वक्त 5 है, उसके बाद कौन छोटा है जी, 9, उसके बाद कौन छोटा है, 12, उसके बाद कौन छोटा है, 15, नहीं 9 के बाद 10 वाला छोटा है, 12 उसके बाद आएगा, सबसे पहले छोटा है 5, फिर है जी 9, सिर्फ रेड वालों को हम देख रहे हैं अभी, सर 10, मतलब आप ये कह रहे हैं ना, जहाँ हमने 7 लिखा हुआ है वो वाली जब नोड आएगी तो हम उसके जो एडजेसेंट देखेंगे, लेकिन एक हाँ एडजेसेंट जो 0 वाला था वो तो पहले ही हो चुका था, तो बस उसको हाँ नहीं देखेंगे बाकी तीनों को देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यू ठीक है। तो 15 है, उसके बाद एक इन्फिनिटी भी मौजूद है। ठीक है, तो अब ये दोबारा से प्रायोरिटी क्यू इस तरह हो गई है। तो अब अगला नंबर किसका आएगा, 5 का, 5 सबसे छोटा है, इसको अब निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब 5 की तरह ये नोड है कि इसकी बारी आ गई है। ठीक है, तो इसकी बारी आ गई है, ये सिलेक्टेड हो गया, अब इसके ऊपर हमने सेम काम करना है, इसके एडजेसेंट को देखना है कौन कौन है, एक एडजेसेंट ये है इसका, एक एडजेसेंट ये है, एक एडजेसेंट ये है, एक एडजेसेंट ये है, यानी कि इसकी कितने एडजेसेंट है, 4। इस 4 में से जो एक एडजेसेंट है ना वो पहले से ब्लू है, इसका मतलब है इसको हम नहीं देखेंगे, बाकी रह गए 3। अब हमने 3 को देखना है, वो देखना है कि क्या ये वेट जो है 6 है वो लेस देन की, जो कि जहाँ पे 12 है, तो अगर जो लेस है तो उसको अपडेट कर देगा, ऐसे ही हमने देखना है कि क्या 14 लेस देन इन्फिनिटी, अगर लेस है तो उसको अपडेट कर देगा, ऐसे ही हमने देखना है कि क्या 8 जो है वो लेस देन 10 है, अगर लेस देन 10 है तो उसको अपडेट कर देगा। ठीक है जी, और इन तीनों का पेरेंट 5 बन जाएगा। तो हमने ये सेम काम किया, तो आप देखेंगे 6 लेस था तो वो अपडेट हो गया, 12 की जगह पे आ गया, 14 इन्फिनिटी की जगह पे आ गया, और 8 जो है वो 10 की जगह पे आ गया, और इन तीनों नोड का जो एरो है अब 5 की तरफ वो हेड हो गया उनका, यानी कि अब 5 जो है उसका पेरेंट नोड है। ठीक हो गया, अब अगेन हमारे पास क्या हुआ, जो ए का सेट था अब उसमें पहले 0 निकला, फिर 7 निकला, फिर 5 निकला। ठीक है, अब पीछे क्या बचा, ये हमारे पास प्रायोरिटी क्यू है, और पीछे आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है, 6। ठीक है, और उससे बड़ा नंबर क्या है जी, हमारे पास 8, उससे बड़ा नंबर क्या है, हमारे पास 9, उसके बड़ा 14, और सबसे बड़ा कौन सा है, 15 नंबर। ठीक है, तो ये क्यू में बचे हैं, तो अब जो सबसे छोटा 6 है वो अब निकलेगा, यानी कि अब इस नोड का नंबर आ गया है, अब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब जब हमने सेलेक्ट किया तो हमने देखा कि इसके कौन से, इसके एडजेसेंट नोड्स कौन से हैं, इसका एडजेसेंट नोड एक 5 है, एक 7 है, तो दो एडजेसेंट नोड हैं, और दोनों पहले से ब्लू हैं, पहले से चेक हो चुके हैं, पहले से प्रोसेस हो चुके हैं, तो यानी कि अब हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि इसके दोनों एडजेसेंट नोड्स हैं वो पहले से प्रोसेस हो चुके हैं। तो अब जो हमारे पास क्या क्यू बन गई है, उसमें 0 A, इसको A का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ कि ये A, 0, 7, उसके बाद 5 और 6, ये सारे प्रोसेस हो चुके हैं, और बाकी क्या बचा है जी, बाकी आप देखेंगे सबसे बड़ा बचा है 8, उससे बड़ा बचा है 9, उससे बड़ा है 14, उससे बड़ा है 15, तो अब किसका नंबर आएगा, 8 का, यानी कि अब इस नोड का नंबर आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम काम करना है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसके एडजेसेंट्स को देखेंगे, इसके 3 एडजेसेंट है, एक ये 0 वाला है, ये पहले से ब्लू है, ये प्रोसेस हो चुका है, एक 5 है, ये पहले से ब्लू है, ये प्रोसेस हो चुका है, इसको करने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ एक इसका एडजेसेंट है जो प्रोसेस नहीं हुआ, तो हम 3 को कंपेयर करेंगे इसकी की वैल्यू से, 3 अगर छोटा है 14 से तो हम 3 को 14 से रिप्लेस कर देंगे, और ये देखिए हमने 3 को 14 के साथ रिप्लेस कर दिया, और उसका हेड जो है उसका 8 की तरफ कर दिया।
यानी कि अब 3 का पेरेंट 8 हो गया, ठीक हो गया बच्चे। अब इस न्यू सिचुएशन में हमारे पास जो ए है, अब उसमें क्या क्या चला गया है, 0 चला गया था, फिर 7 गया था, फिर 5 गया था, फिर 6 गया था, फिर 8 गया था, ठीक है। और जो बाकी अब बचे हैं उसकी प्रायोरिटी क्यू हमारे पास जो बनेंगी, तो उसमें 3 सबसे आगे होगा, 9 उसके बाद होगा, और उसके बाद 15 होगा, ठीक है। अब ये 3, अब इसमें सबसे छोटा जो 3 है वो उसका नंबर आ गया, तो ये जो 3 वाले हैं इसको प्रोसेस करना है। इसके दो एडजेसेंट है हमारे पास, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके दो एडजेसेंट हैं 5 और 8, और दोनों पहले से ब्लू हैं, इसका मतलब है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। अब जो बाकी बच्ची है ना, उसमें दो एलिमेंट रह गए हैं, एक 9 और एक 15, ये दो क्यू में एलिमेंट रह गए हैं, तो 9 का नंबर आ गया, तो हम 9 को अब देखेंगे। तो 9 का एक ही एडजेसेंट है 7, वो पहले से ब्लू है, तो इसके ऊपर भी कोई चेंज नहीं आएगी, एज इज आ जाएगा, ठीक है। अब पीछे रह गया 15, अब हम 15 को आखिर में निकाल लेते हैं, तो 15 का एक ही एडजेसेंट है 0, और जो कि पहले ही से, जो कि क्या है, पहले से ही प्रोसेस हो चुका है, तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं होगा, तो दैट्स इट। तो अब हमने क्या किया कि सारे के सारे ग्राफ में सारे वर्सेस को एक एक दफा विजिट कर लिया, और जब हमने विजिट किया तो हमें पता चला कि ये जो देखिए ब्लू लाइन, ये जो पिंक लाइंस हैं, एरोज हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारा स्पैनिंग ट्री है, ठीक है जी। तो इसको हम इसको लेट्स सपोज हम ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, देखें अभी उसने किया हुआ कि नहीं, हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, 6 5 7 9, पिंक वाले को हम करेंगे, ठीक है, ये हो गया 15, ऐसे ही हमारे पास ये है, और इसका ये नोड है, ये हमारे, सर ये है। ब्लैक वाले अनविजिटेड है, ब्लैक हाँ, लाइन ब्लैक ब्लैक का मतलब है कि हमने ये एजेस को निकाल दिया है बीच में से, ब्लैक का मतलब है कि इन एजेस को निकाल दिया क्योंकि ये कॉस्टली थे, ठीक है जी। तो ठीक ये है हम, ये जो हमारे पास अब मिनिमम स्पेनिंग ट्री जो बन गया वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है, इसकी वैल्यूज आप यहाँ पे इसके एरोज लगा सकते हैं, ठीक है, इसके एरोज लगा सकते हैं अभी इसको, इसका, हाँ जी, इसका ये है, इसका इस तरफ है एरो का निशान, अब थोड़ा सा इशू आ रहा है एरो के निशान को, तो आप मतलब कि आप समझेंगे ये जो ब्लैक लाइन है ना, 3 के खत्म कर दी आपने बीच में से, ठीक है। और ये जो बाकी बचा है ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री यानी कि आप इस जो ट्री की कास्ट ना वेट्स वो मिनिमम है, लाइक ये 6 हमारे पास आ गया, दूसरे का वेट 5 है, ठीक है, एक का 9 है हमारे पास, एक का 15 है, एक का 7 है, ठीक है, और एक का 8 है, और एक का 3 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 6 एंड 7, ठीक है। तो इनको ऐड कर लें, 11 11 एंड 9, 20 20 30 35 35 एंड 40 42 42 एंड 8 हमारे पास हो गया जी, 50 एंड 53। अब इस टोटल ग्राफ, ये जो मिनिमम स्पेनिंग 3 है ना, इसकी 53 इसका वेट है टोटल मिनिमम, और ये मिनिमम है, यानी कि हमने आसान अल्फाज में क्या किया, हमने क्या किया कि तमाम नोड्स को कनेक्ट किया एक एक दफा इन अ सच अ वे कि उनके जो वेट्स को अगर जमा करें तो वो मिनिमम होगा 53 होगा, ठीक है। तो आप, मैंने जैसे एग्जांपल में बताया, आप कह सकते हैं कि नहीं सर, ये इसको यहाँ से कनेक्ट नहीं करना चाहिए था, इसको तो यहाँ से कनेक्ट करना चाहिए था, तो अगर इसको यहाँ से कनेक्ट करते तो ये 12 वेट हो जाता, तो यहाँ पे 6 था, तो अब इसको हमें कास्टली यहाँ पे करना पड़ता और हमारी कास्ट जो है ना वो 6 प्लस 6 हो जाती, ठीक है। तो लेकिन हमने इस एल्गोरिदम की वजह से, ये जो एक स्ट्रेटजी थी, एक एल्गोरिदम थी, उसकी वजह से हमने फाइंड आउट किया कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री एक ग्राफ में कौन सा है, ठीक है बच्चे। तो ये मिनिमम स्पेनिंग ट्री फाइंड करने का हमारे पास तरीका है।